जो भीष्म पितामह थे उनको बाकी सारे भाइयों को और उनकी फौज में जो लोग थे उन सबको मार रहे थे वो तो वही शक अर्जुन के दिमाग में आया था कि मैं इसको इन लोगों को क्यों मारूं जो भी था सत्य की लड़ाई थी जो कुछ भी थी पर लड़ाई शस्त्र उठाने पड़े लड़ना पड़ा मेरे जैसों के लिए जिनको अच्छा कर्म करने पर विश्वास है और मतलब मेरे को तो ज़िंदगी में कोई अचीवमेंट बोल पूछे तो मैं कुछ नहीं बोलता मैं ये बोलता हूँ कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में अठन्नी का गलत काम नहीं किया मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया है या कभी फरेब नहीं किया है कभी झूठ नहीं बोला मैंने आगे बढ़ने के लिए कभी किसी को मैंने नुकसान नहीं पहुंचाया अपने फ़ायदे के लिए जिसकी ग्राउंडिंग मेरी जो मैं बता रहा था आठवीं से शुरू हो गई थी क्योंकि मेरे को कभी उसमें कोई लॉजिक ही नहीं लगा और अगर कमिट करना है तो हंड्रेड करना है कमिट बल्कि ज़्यादा ही करना है क्योंकि उसके अलावा एक्सेलेंस के अलावा और कोई रास्ता नहीं है जिंदगी में वो मेरी ऐसी सोच है शायद एक्सेलेंस इज स्परिचुअलिटी एक्सीलेंस और स्परिचुअलिटी सेम ही होता है अपनी फील्ड में अपने धर्म में अपने कर्म में स्पिरिचुअलिटी के कोनोटेशन थोड़े दूसरे हो जाते हैं है ना अब जैसे रॉक स्टार्स हैं दे आर इन टू जस्ट ड्रग्स सेक्स एंड रॉक एंड रोल ठीक है बट दे आर एक्सीलेंट इन वॉट दे डू साला उनका कमिटमेंट पिंक फ्लॉयड स्टिल गोइंग स्ट्रॉग स्टिल डूइंग डूइंग बट स्परिचुअलिटी नहीं है उसमें बट एक्सीलेंस भयंकर है okay. Okay. चलो एक्सीलेंस की बात करते हैं स्पेशल uh, फोर्सेस की ट्रेनिंग आपके दिल को और आपके दिमाग को कैसे बदल बदल देती है सर यार इसके पहले ना मैं वो शुरू करूंगा कि स्पेशल फोर्से बंदा जाता क्यों है क्योंकि उसकी ट्रेनिंग तो बाद में आएगी अब जैसे मैं यार जब आप एन में जा रहे हो तो अगर आप एक फौजी फैमिली से आ रहे हो सैनिक स्कूल से आ रहे हो तो बहुत फर्क पड़ता है बजाय कि आप एक सिविलियन बैकग्राउंड से जा रहे हो क्योंकि उनको सब पता है फ़ौज के बारे में उनको पता है कि फ़ौज में अच्छा कैसे करना है और क्या करना है हम तो जो जोश में पहुंच गए हमारे लिए तो फौज फौज थी ना यार कि बस अपना ज़िंदगी बिंदास निकालनी है अपने मज़े करने हैं जोश टाइप ज़िंदगी हो पर इन लोगों को पता रहता है कि यार अच्छा कैसे करना है पढ़ाई करनी है टाइम से ये करना है ना? चीज़ी चीज़ी है ना स्पोर्ट्स और गेम्स में अच्छे होने चाहिए यार हम तो उन स्कूलों के पढ़े अंग्रेज़ी अच्छी होनी चाहिए है।, है ना हम तो यार क्या मैंने नाइन्टी फोर में ट्वेल्थ करी थी और सो कॉल्ड कॉन्वेंट स्कूल में तो और अच्छी अंग्रेजी होनी चाहिए और हम आम भले इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हों पर हम आम तो अंग्रेज़ी इतनी सीखी थी मैम मैम मैं प्लीज़ गो टू द टॉयलेट इससे ज़्यादा तो हमने अंग्रेजी सीखी नहीं है क्योंकि तो कहने का इंग्लिश मीडियम था बाकी तो सब हिंदी में चल रहा है तो मतलब हम जैसों का तो स्ट्रगल शुरू हो जाता है और कोई गेम स्पोर्ट्स या जैसा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है स्कूल में कौन सीखाता है फुटबॉल बास्केटबॉल पर जो फौजी बैकग्राउंड के लोग हैं जो सैनिक स्कूल से हैं उन्होंने सब कुछ सीखा हुआ है उनको सब आता है तो गेम स्पोर्ट्स में भी उनको अब फौज का एन डी और आई का मेरिट सिस्टम ऐसा है कि यार इसी चीज़ों पर आपको नंबर मिलते हैं कि आपकी पढ़ाई में कैसे हो आपने कितने स्पोर्ट्स कौन सी स्ट्रिंग में खेले हैं ऐसे वैसे कर यार अपन को कुछ पता नहीं था हम वहाँ बिंदास अपने कर रहे थे जोश टाइप जो होता था फिजिकली स्टड थे पीटी टेस्ट पीटी टेस्ट पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, थी उसके बाद यार अपन मजे किया करते थे और वो ना बहुत ही अनऑफिशियल टाइप का जमाना हुआ करता था आजकल तो यार सारी चीजें सुधर गई हैं वहां पे एनडीए में ना यार सबको पता था कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही मैं थोड़ा सा बताइए तो एनडीए ना तो बहुत ही भुजंडी बाबा टाइप होता था मतलब कि पता था लोग कि यार यहाँ रगड़ने और मजे करने हैं पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं और रगड़ा इतना होता था कि यार क्लास हमारे लिए सोने की जगह हुआ करती थी मतलब कुछ फोटोज होंगे मैं फॉरवर्ड करूंगा देखना एनडे की क्लास ना स्लीपिंग सेशन चल रहा है कि बंदे पड़े हुए हैं सो रहे हैं बुरी तरह ब्रूल इकट्ठा हो गया नीचे उससे है कोई फर्क नहीं बंदे खड़े खड़े सोते हुए देखे सोते हैं बर, लड़के खड़े खड़े झूमते रहेंगे और ये वो सो रहे हैं वो एक अलग स्टेट ऑफ जेन है कि भैया कुछ भी कर लो हमारी नींद कोई नहीं तोड़ सकता और टीचरों को पता था जो पुराने टीचर थे ना जो बचपन से जो जिन्होंने कमांडांड को भी पढ़ाया वही हमको पढ़ा रहे थे क्योंकि एनडे में एक बार घुस गया तो घुस गया वही पढ़ाया जा रहे है उनको सब पता था वो साले दस क्वेश्चन बता देते थे कि इसमें से आठ क्वेश्चन आएंगे लोग तो भी फेल हो जाते थे <laughs> लेकिन एंडी मैं में पढ़ाई नहीं करता था क्योंकि मेरे को लगता था यार मैं इस काम के लिए नहीं मेरे फंडे बड़े क्लियर थे यार मेरे को जो लग लगता है ठीक मैं वो करूँगा बाकी दुनिया बोले कि जरूरी है मैं नहीं करूँगा मेरे को नहीं लगता था यार हिस्ट्री इकोनॉमिक जोग्राफी में जो पढ़ रहा हूँ पढ़ता था और पढ़ लिया एक बार बोल ऊपर अपनी हैंडराइटिंग इतनी सड़ी कि अपन कोई समझ में नहीं आता यार क्या लिखा है सेम <laughs> बहुत डीप कनेक्शन फील हुई तो यार हम जैसे जो पेपर लिखते हैं इसीलिए मेरे को ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत अच्छे लगते हैं टिक टिक लगा हाँ. उसमें हैंडराइटिंग नहीं साला मैं अपना पेपर देखता था मेरे को आता था, था तो मैं कैसे पढ़ूंगा इसको दोबारा hmm. तो जो बेचारा टीचर चेक करने बैठता होगा जिसने और सत्तर अस्सी सौ पेपर पहले चेक करो क्योंकि मेरा पेपर या हमारे जैसे देखती देखते उसका दिमाग तो पहले ही चटक जाता होगा ये कौन आ गया भी? तो सौ में से तुम्हारी तो मार्किंग ही सत्तर से शुरू होती थी क्योंकि तीस नंबर तो उसके पेसाफोरे में निकल गए ऑलरेडी ठीक है बाकी उसको समझ में आ नहीं रहा मैंने क्या लिखा है वो तो चल रहा है पास करना है तो ऐसे करके खैर बहर टी clips क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों लव टू यू ऑल नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को यानी पूरे एपिसोड को उसके नीचे हमने लिंक किया है एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मज़ा आएगा